कोरोना के समय में बंद रेलगाड़ियों के कारण लोगों को खासकर दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। बंद गाड़ियों को फिर से चलाने के लिए आज अंबाला यमुना रेल मार्ग पर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर वहां के स्थानीय निवासियों व भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ने आज DRM कार्यालय पर धरना दिया। मौके पर रेल प्रशासन को पुलिस बल भी बुलाना पड़ा, लेकिन कुछ घंटे के धरने के बाद ADRM गुरेंद्र सिंह नारंग के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। किसानों ने रेल प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर एक माह तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस बार धरना कार्यालय पर नहीं रेलवे लाइन पर दिया जाएगा। इनका जी जो डिमांड थी वो गाड़ी संख्या है 4522 और 4523 के स्टॉपेज की। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मैंने इनको ये कहा है, इनसे यही रिक्वेस्ट करी है कि जो स्टॉपेजेस हैं वो डिविजनल लेवल पे नहीं हो सकते। इनकी जो भी डिमांड रिक्वायरमेंट है वो हम हेडक्वार्टर के थ्रू बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे और उनको विद पॉजिटिव रिकमेंडेशन, जैसा कि इन्होंने अपनी समस्याएं बताई और हमने समझ ली हैं, इनकी जेन्युइन समस्याएं हैं, वो हम बोर्ड को फॉरवर्ड करेंगे और उसको फॉलोअप करेंगे। पैसेंजर नई गाड़ी के लिए तो कोई बात हुई भी नहीं है, सिर्फ इस एक पर्टिकुलर गाड़ी की स्टॉपेज की डिमांड है। ये 2 मिनट का स्टॉपेज आ रहे हैं, उसको हम लोग फॉलोअप करें थ्रू प्रॉपर चैनल और जहाँ से भी अप्रूवल होनी है उसके लिए हम लोग रिकमेंड जरूर करेंगे। अब देखिए, ये सरकारी प्रोसीजर है, बट कोशिश करेंगे एक आध महीने में कुछ रिजल्ट आ जाए। DRM अंबाला रेलवे मंडल पे हम यहाँ पर आए थे और हमारी मांग थी कि जो पैसेंजर गाड़ियाँ कोरोना टाइम में बंद की गई थी उनको चलाया जाए। और मुस्तफाबाद सरस्वती नगर मुस्तफाबाद में हमारी सुबह के समय जो ट्रेन आसानपुर की तरफ अंबाले से जाती है उसके स्टॉपेज की मांग थी, जिसको लेकर हम कई बार DRM साहब से मिल चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मजबूर होकर हमारे को यहाँ पर आना पड़ा और धरना देना पड़ा। तो अब यहाँ धरने पर बैठे तो ADRM साहब यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि 1 महीने का समय आप हमारे को दो, 1 महीने से पहले पहले हम जो आपकी मांग है उसको पूरा करेंगे। तो आज उनके आश्वासन पर हम उठकर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमने आगे चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने तक गाड़ी की जिसका स्टॉपेज हम मांग रहे हैं वो मांग पूरी नहीं हुई तो 1 महीने बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हम मुस्तफाबाद में रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। ये हमारी सीधी सीधी चेतावनी है। प्रदर्शन तो आज जो रेलवे को लेकर था, जो पिछले काफ़ी समय से कोरोना काल से रेलवे कहीं भी नहीं रुक रही, स्टेशन छोटे बड़े, जैसे गरीब मजदूर जाते हैं, जिन्हें बच्चे जाते हैं, तो उसके लिए आज ज्ञापन तो पहले कई बार दे चुके, आज तो धरना था, आए तो मार पार की करने के लिए थे आज ही, पर चलो प्रशासन मान गया जल्दी, उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है तो 1 महीने का टाइम चलो हमने सब ने मिल के दे दिया। और अगर 1 महीने में नहीं चलती फिर हम यहाँ नहीं आएंगे, फिर रेलवे ट्रैक पर ही मिलेंगे इनको कहीं भी। गौरतलब है कि आज अंबाला यमुनानगर रेल मार्ग पर मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग को लेकर वहां के स्थानीय निवासियों व भारतीय किसान यूनियन चढ़नी ने आज DRM कार्यालय पर धरना दिया। मौके पर रेल प्रशासन को पुलिस बल भी बुलाना पड़ा, लेकिन कुछ घंटे के धरने के बाद ADRM गुरेंद्र सिंह नारंग के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। पंजाब के सी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।